हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल। मैं स्मित विवेक, मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी और सीबीटी टू के मैथ्स के सेट नंबर हमारा 8वां होगा। इसके अलावा यदि आप पिछला सेट नहीं देखें तो जरूर देख लीजिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इसका प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके अलावा जो भी वीडियो हमारे चैनल पर इंपॉर्टेंट सा वीडियो होगा उसका प्ले लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए। और वीडियो पसंद है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। इसी प्रकार से वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी आप क्लिक कर लीजिए। और इसके अलावा हमारे पास ये दो पीडीएफ अवेलेबल है, ऐसे तो तीन पीडीएफ है, रीजनिंग का भी है। आपको अर्थमेटिक का बाइलिंगुअल तैयार हो रहा है, जितना जल्द हो सके आपको मतलब टोटल क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन, क्योंकि नंबर सिस्टम में ही लगभग आपको 400 क्वेश्चन है, फिर एलसीएम एचसीएफ में 250 क्वेश्चन है, मतलब सभी में 200 नंबर सिस्टम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। उसके बाद सभी चैप्टर में 250-300 क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो एक दो दिन में आपको है ना, मतलब एक दो दिन में आपको अर्थमेटिक का 100% आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक आप इस एडवांस मैथ को क्लियर करके बनाइए। उसके बाद ये 10-30 सेट आपका बाइलिंगुअल है, आप इसका पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। इस देखिए एडवांस मैथ का प्राइस मात्र 30 रुपीज़ है और इसका है आपको 25 रुपया, ठीक है। रीजनिंग का 11 रुपया है, 10 सेट है मात्र इसमें। और रीजनिंग और भी तैयार हो रहा है, तो जैसे ही तैयार होता है आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। एडवांस मैथ दोस्तों ये हिंदी मीडियम में है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपका हिंदी मीडियम में है। और ये आपका बाइलिंगुअल है, ये क्या आपका बाइलिंगुअल है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको इस पर मैसेज करना होगा 7903584042, ये व्हाट्सअप है, आप इस पर मैसेज कीजिए, आपको सारा प्रोसेस आपको मिल जाएगा कि पीडीएफ कैसे आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, कथा की भाज्य प्राकृतिक संख्याओं के माध्य और पहली 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर कितना होगा। देखिए पहले 8 भाज्य प्राकृतिक संख्या, फर्स्ट 8 कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर जो जिसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं, एक प्राइम नंबर है जिसको अभाज्य संख्या कहते हैं, एक क्या आपको कंपोजिट नेचुरल नंबर, एक क्या आपको कंपोजिट नेचुरल नंबर, इसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, है। तो प्राइम नंबर मतलब ये हो गया अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या हो गया, ये भाज्य प्राकृतिक संख्या हो गया, भाज्य प्राकृतिक संख्या, ठीक है, ये भाज्य प्राकृतिक संख्या हो गया। दोनों का डिफरेंशन देख लीजिए क्या है। प्राइम नंबर उस ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक और खुद से विभाजित होगा वो क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा, ठीक है। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो केवल एक और खुद से विभाजित होगा प्राइम नंबर कहलाएगा। कंपोजिट नेचुरल नंबर देखिए क्या होगा, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो तीन या तीन से अधिक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तीन या तीन से अधिक संख्या से विभाजित होगा वो आपको क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। सबसे छोटी प्राइम संख्या कौन होगा, दो होगा, और सबसे छोटी कंपोजिट नंबर जो होगा, देखिए चूंकि एक तो होगा नहीं, दो भी नहीं होगा, तीन भी नहीं होगा, कौन हो जाएगा आपको, चार हो जाएगा, क्योंकि चार में आपको मिनिमम भाजक जो होगा इसका कितना होगा, तीन होना चाहिए, एक दो और चार, तीन संख्या हो गया, कम से कम तीन संख्या से विभाजित होना चाहिए, चार के बाद कौन हो जाएगा आपको, छः हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका तो यहाँ पे क्या बोला है कि भाज्य प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, पहले 8 भाज्य प्राकृतिक संख्या, तो पहला भाज्य संख्या कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर कौन हो जाएगा आपको, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, एक और हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा, ठीक है। इसका आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है, इसका माध्य निकालना है, सभी को जोड़ देना है, और जोड़ को किससे भागा देना है आपको, 8 से भागा देना है, ये आपका क्या हो गया, माध्य निकल गया। उसके बाद बोला है कि पहले 8 अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा, 2 होगा, फिर कौन होगा आपको, 3 होगा, फिर कौन होगा आपको, 3 2 3 5 7 11 13 1 2 3 4 5 6 13 के बाद 17 के बाद कितना हो गया, 19 हो गया, 8 ये भी हो गया आपको, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 से भागा दीजिए, अब दोनों को एड, आप इसको ऐड कर लेते हैं कितना हो गया, 6 4 10 8 10 8 18 9 27 10 37 37 12 49 10 49 10 59 63 78 हो गया, ये हो जाएगा आपको कितना, 78 बटे कितना हो गया आपको, 8 हो गया माइनस, ठीक है, क्योंकि दोनों का अंतर पूछा है, तो ये हो गया 5 3 8 2 10 17 17 10 27 28 10 38 38 5 43 43 10 कितना हो गया आपको, 43 53 53 60, ये आपको कितना हो जाएगा आपको, 77 हो जाएगा, 77 बटे कितना हो गया आपको, 8 हो गया,
एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा, 1/8 है, पक्का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 20% कम कार्य कुशल है, ठीक है, बी जो है ए से कार्य कुशल कितना है 20% कम है, तो वो परसेंटेज है, तो इसको 100 मान लीजिए कितना हो जाएगा आपको 80 हो जाएगा, इसको आप क्या कीजिए काट दीजिए, ठीक है, योग्य 20 चौक 80 है, कितना हो गया 20 5 100 हो गया, रेशियो में हो गया, ये आपको क्या हो गया इफिशियंसी हो गया दोनों का। तो बी को कार्य करने में कितना दिन लगेगा, ए किसी कार्य को कितना दिन करता है 12 दिन में करता है, इफिशियंसी का क्या होता है E1 D1 बराबर क्या होता है आपको E2 और क्या होता है आपको D2 होता है। ए किसी काम को कितना दिन करता है 12 दिन में करता है, तो ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए का इफिशियंसी कितना है आपको 5 है, यहाँ 5 ले लीजिए। आपको क्या बोला कि बी काम को कितना दिन में करेगा, बी यहाँ पर कर दीजिए, और बी का इफिशियंसी कितना आपको 4 है, 4 से कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया आपको 4 दिया कितना हो गया आपको 12 हो गया, बी कितना दिन में किया 5 दिया कितना हो गया आपको 15 दिन में आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर क्रमशः ए बी बी सी और ए सी भुजाओं के मध्य बिंदु है, त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज आपका कौन सा त्रिभुज है आपको ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक क्या आपको समबाहु त्रिभुज है, इसके मध्य बिंदु है आपको पी क्यू आर क्रमशः, ए बी का मध्य बिंदु क्या आपको पी है, तो यहाँ पे आपको क्या हो गया मध्य बिंदु पी हो गया, क्यू जो है ए बी सी का मध्य बिंदु हो गया यहाँ पे क्यू हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या आपको क्यू के बाद आपका आर है, ए सी का मध्य बिंदु है, इससे बना त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि जब ये मिड पॉइंट होगा तो ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, ये जितना होगा ये उतना ही होगा, तो ये इतना उतना ही होगा। तो देखिए आपको आपको पता होना चाहिए कि ये भुजा और ये कोण कितना होगा 60 डिग्री होगा, तो इसके सामने वाला कौन ये सामने वाला कौन बराबर होगा, इसका मतलब ये भी आपको क्या बनेगा संभावित त्रिभुज, ये भी क्या बनेगा संभावित त्रिभुज, ये भी क्या बनेगा आपको संभावित त्रिभुज, चारों का चारों क्या हो गया एक संभावित त्रिभुज हो गया, एक बड़ा संभावित त्रिभुज के अंदर क्या को संभावित त्रिभुज हो गया 1 2 3 4 को हो गया। तो को पूछा आपको पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा ये पूछा आपको, त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल होगा, तो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा उसको यदि हम 4 से भागा देंगे, ये वाला पूछा है ना, तो इसका क्षेत्रफल, इसका भी पूछेगा तो वही होगा, इसका भी पूछेगा तो वही, उसका भी पूछेगा वही होगा, जो निकालना हो निकाल सकते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे कितना हो गया 4 हो गया। अब त्रिभुज संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, तो √3/4 × भुजा स्क्वायर, आपको भुजा यहाँ पे कितना दिया हुआ 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 गुना कितना हो गया 4 हो गया, बटे कितना हो गया 4 हो गया, 4 काट दीजिए, 4 काट दीजिए, क्या बचा आपको √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहते हैं यदि √19 − x√12/1 √4 − √3 हो तो एक्स का मान क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन आपको, 19 − x√ क्या है आपको 12 कितना दिया है √4 − √3 दिया है, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिएगा, दोनों साइड जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 19 − x√ क्या हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा a − b का होल स्क्वायर, तो a का कितना हो गया 4, ये 3 − कितना हो गया 2√12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये कितना हो गया 4 × 3 = 7 19, इसको और इसको सॉल्व करेंगे, इसको लाएंगे इधर, ये कितना हो गया 12, तो इसको उधर ले जाएंगे, कितना हो गया x√12 − कितना हो गया 2√12 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया 12 बट्टा कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप यदि √12 को कॉमन लेते हैं क्या बचेगा x − 2 बचेगा, तो x − 2 बराबर कितना हो गया 12/√12 हो गया, ऊपर नीचे √12 से गुना कर दीजिए, जैसे ही गुना करेंगे तो ये आपका कट जाएगा, क्या बचेगा तो x बराबर क्या हो जाएगा √12 + कितना होगा 2 हो जाएगा, या तो 2 + √12 भी लिखेंगे, अब ये कितना हो जाएगा 2 + √3 हो जाएगा, 2 + √3 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, जैसे निकालते हैं 12, 15 और 18 से कटने वाला पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, ये हो गया 2 × 6 = 12 हो गया, 15 हो गया, 2 × 18 हो गया, फिर किसे काटेंगे 3 से, ये हो गया 3 × 6 = 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9 हो गया, अब नहीं कटेगा किसी से, अब इसका क्या कीजिए गुणा के रूप में, ये हो गया 2 × 2 ठीक है, गुना 3 कितना हो गया 5 हो गया, ये इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि
कि हमको पूर्ण वर्ग पूछा, तो पूर्ण वर्ग के लिए आपको इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकालना चाहिए। जिसका पेयर लिंग निकल, जिसका पेयर उसको बाहर निकाल लेते हैं, इसका भी पेयर है, किसका नहीं है पेयर, पाँच का नहीं तो आप जबरदस्ती पेयर लगा दीजिए, ठीक है, ओके। इसका वर्गमूल निकल जाएगा पूरा पूरा, आप सबको आपस में गुणा कर दीजिए, दो दो नहीं चार या बारह, बारह या चौबीस, पंच एक सौ बीस, एक सौ बीस पंच ये कितना हो जाएगा आपको, दो दूनी चार थी बारह या छत्तीस, है ना, छत्तीस गुना कितना हो गया आपको, आप ऐसे कर सकते हैं, अच्छा दो दूनी चार या बारह पंचे साठ, साठ एक सौ अस्सी, अठारह पंचे नब्बे, नौ सौ आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो जिसका पेयर नहीं लगेगा ऐसे, मतलब एलसीएम निकालने के बाद जिसका पेयर नहीं लगेगा उसका पेयर आप लगा के आपस में गुना कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 9 हो तो 9x प्लस 4y अनुपात 18x प्लस 3y का मान कितना होगा। क्या दिया हो कि 9x प्लस कितना दिया आपको 4y, अनुपात कितना दिया 18x प्लस कितना हो गया आपको 3y, और x अनुपात y यहाँ पे कितना दिया हुआ आपको 4 अनुपात कितना दिया हुआ आपको 9 दिया हुआ है। तो x का मान कितना हो गया 4 हो गया, सिर्फ पुट कर दीजिए, 9 चौका 36 और प्लस 9 चौका 36 अनुपात, x का मान 18 चौका 72 हो गया, अब प्लस नौ दिया कितना हो गया आपको 27 हो गया, 36 दुनिया कितना हो गया 72 हो गया, ये कितना हो जाएगा आपको 7 2 9 और 7 2 9 99 हो गया, ये हो गया 9 8 72 हो गया, 11 9 99 हो गया, 8 अनुपात 11 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका। देखिए क्या है कि एक वस्तु को 45 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि हुई, उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे कि 15% का लाभ हो, ठीक है। तो आपको देखिए पहला बार बेचा कितना वो 45,000 में, है ना, यहाँ पे उसको लॉस लॉस हो गया, उसको कितना का लॉस हो गया, उसको 10% का हो गया। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, सीपी निकाल सकते हैं, तो सीपी कितना हो जाएगा आपको 45,000 गुने 100 बट्टे कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट के लिए तो सीपी का जरूरत है, तभी हम एसपी निकाल सकते हैं, प्रॉफिट हमको क्या चाहिए 15% चाहिए, यहाँ से हमको कितना में बेचना होगा, अभी ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपको सीपी हो गया, ये 45,000 गुना कितना हो गया 100 हो गया बटे कितना हो गया 90 हो गया, गुना कितना हो गया 115 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया, 100 100 कट गया ये, ठीक है, ये कितना हो गया 9 5 45, ठीक है, यहाँ तक कटेगा 9 5 45, ये हो गया 500, तो कितना हो गया 115 को आप 500 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 00, ये हो गया 25 2 हो गया, 5 5 2 7 हो गया, ये 57,500 आपका 500 ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन देखिए कहा था कि तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी और तीसरी संख्या की तिगुनी है, यदि तीन संख्याओं का औसत 880 है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तीन संख्या मान के चलिए 1 2 और 3 है ना, यहाँ पे रिलेशन देखिए पहला रिलेशन है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है, पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है इसको 1 मान लेते ये दुगुना हो जाएगा, और तीसरी संख्या की त्रिगुनी है इसका ये क्या है तिगुना है, जब ये इसका तिगुना होगा तो ये कितना होगा 2/3 होगा, ये रेशियो में कन्वर्ट होता है दोस्तों, आप हर में 3 है तो 3 से गुना कर दीजिए, ये हो गया 3 2 6, ये कितना हो गया 3, ये हो गया 2, रेशियो को हटाएंगे क्या आएगा 6x, ये कितना आएगा आपको 3x, ये कितना आएगा 2x हो जाएगा, बोला कि इन तीनों का औसत आपको दिया हुआ, तीनों का औसत बराबर 3/3 बराबर कितना हो गया 880 हो जाएगा, ये हो गया 6 3 9 2 कितना हो गया 11x/3 कितना हो गया 3 बराबर कितना हो गया 880 हो गया, 11 8 88 हो गया 0 हो गया, x का मान कितना हो गया 8 3 24 240 हो गया। यहाँ पूछा कि सबसे छोटी संख्या कौन होगा, तो सबसे छोटी संख्या कौन है आपको 2x है, 2x बराबर कितना हो जाएगा 2 × 240 24 × 48 480 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बोर्ड मास का क्वेश्चन है कि 245 ये आपका देख लिया क्वेश्चन है, तो सबसे पहले छोटी क्वेश्चन का होगा, उसमें छोटी क्वेश्चन सबसे पहले भागा होगा, तो 3 / 12 करेंगे तो कितना होगा 4, तो 11 में से 4 घटेगा कितना हो गया 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको 7 हो जाएगा, तो यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं, ये हो गया 245 ठीक है माइनस 135 माइनस कोष्ट 84 भागा कितना हो जाएगा 4 ऑफ 3 माइनस कितना हो जाएगा आपको 7 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया तो सबसे पहले अब क्या होगा और का काम होगा, है ना, चारतिया कितना हो गया 12, यहाँ कितना हो गया 12 हो गया, फिर भागा का होगा कितना हो गया 7, 7 - 7 हो जाएगा कितना हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ तक आपको क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि 245 135 में से 0 घटेगा आपको 135 ही बचेगा,
245 में से 135 को घटा दीजिए, 110 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब पूर्णांक m को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 होता है, यदि 7m को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए जब m को किससे भागा दिया आपको, 8 से मतलब 8 से विभाजित करने पर शेष कितना आता है, 5 आता है, तो उसी संख्या को 7m मतलब 7 से गुणा कर दिया, तो आपको इस टाइप को बनाने के लिए तो शेष कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, संख्या के साथ क्या किया है, 7 गुना किया है, इसके साथ भी 7 से गुना कर दीजिए, 7 × 5 = 35, और जिसे भागा देने के लिए बड़ा भागा दे दीजिए, 8 से भागा दे दीजिए कितना हो गया, 8 × 32 हो गया, कितना हो गया शेष, कितना बचा 3, ऑप्शन नंबर पर ए सी हो जाएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का क्या करना है कि शेष में ही भागा देना है, कंडीशन क्या है कि जैसे संख्या के साथ गुना किया है तो शेष के साथ भी गुना कर दीजिए, संख्या के साथ स्क्वायर किया है तो आप शेष के साथ भी स्क्वायर कर दीजिए। देखिए यहाँ पहले संख्या था एम, क्या कर दिया, 7 से गुना कर दिया, हो सकते हैं यहाँ आपको क्या करता एम स्क्वायर कर देता, एम स्क्वायर कर देता तो हम अब शेष में भी कोई भी स्क्वायर कर दे, और जिससे भगा देने के लिए कहा था उसे भगा देते, वही आपका आंसर आ जाता। देखिए क्वेश्चन कहा था अगला कि दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 40√3 मीटर है, पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर 30 डिग्री है, यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 130 मीटर हो तो पहली मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। अब देखिए दो मीनार है, एक मीनार यहाँ पे हो गया, एक मीनार यहाँ पे हो गया, बड़ा वाला मीनार होगा, ठीक है, ये कितना दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, 40√3 हो गया। तो अब देखिए ये इसका शीर्ष, इसका शीर्ष, ठीक है, पहली मीनार की चोटी का अवनमन दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर 30 डिग्री कोण बना रहा था, यहाँ से कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री कोण बना रहा है, ये 30 डिग्री का आपका क्या कोण हो रहा है, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये पूरा का पूरा लंबाई कितना आपको 130 मीटर है। तो आपको क्या पूछा है कि इस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, एच होगा, तो जब तक ये पता नहीं चलेगा इतना ठोक कितना होगा, यदि ये पता चल जाएगा 130 में ये वाला हाइट घटा देंगे तो ये वाला पता चल जाएगा, तो हम कहाँ से निकालेंगे, इससे निकालेंगे, तो 10√30 डिग्री से निकाल लेते हैं, 10√30 डिग्री का मान कितना होता है आपको पी बटे, ये 40√3 है, ये भी कितना होगा 40√3 हो जाएगा, तो एक्स बटे कितना हो जाएगा 40√3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए 10√30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटे कितना होता है 4√3 होता है, ये कितना हो गया एक्स बटे कितना हो गया 40√3 हो गया, √3 कट गया, एक्स का मान कितना हो गया आपको 40 मीटर हो गया। तो अब देखिए हमको एच का मान निकालना, तो एच का मान निकालने क्या करना होगा, 130 में एक्स घटाना होगा, तो 130 माइनस 40 घटा दीजिएगा 90 मीटर आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कितना हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया, AB ये इसको सी ले लीजिए, ठीक है, यहाँ से आपको एक संपूर्ण त्रिभुज बन गया, ये कितना है आपको 90 डिग्री है, ये कितना हो गया 90 डिग्री, AB बराबर कितना आपको 6 सेंटीमीटर और AC बराबर कितना 8 सेंटीमीटर है, यदि ADBC पर लंबवत हो, ADBC पर लंबवत हो तो आपको AD का मान पूछा, मतलब इसका वैल्यू पूछा कितना होगा। तो अब यहाँ से देखिए दो तीन तरीका है बनाने का, एक बढ़िया से तरीका आपको हम बता देते हैं, ये 6 होगा, ये 8 होगा, ये कितना का है 3, 4, 5 का ट्रिपलेट नंबर है, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 × 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दो त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर का होगा, जैसे 1/2 आधार गुना शीर्षलंब लेते हैं, तो ये आपका आधार हो गया, ये आपका शीर्षलंब हो गया, ये 6 × 8 हो जाएगा, और इधर से इसको यदि हम आधार मानते हैं ये कितना हो जाएगा आपको 1/2 आधार 10 हो गया, AD का मान आपको पूछा है, ठीक है, ये दो कट गया आपको, तो यहाँ से आप देखिए क्या होगा, तो AD का मान कितना हो जाएगा आपको, AD का मान कितना हो जाएगा 48 कितना हो गया 10 हो गया 4.8 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद भी उसको 8% का लाभ होता है, उन वस्तुओं का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी लागत कीमत कितने पड़ती है आपको 500 रुपये है, मतलब CP कितना है आपको, CP आपको अंकित मूल्य पूछा है ना, तो CP आपका कितना दिया हुआ आपको 500 दिया हुआ है, CP का रिलेशन आपको प्रॉफिट लॉस से होगा, तो यहाँ क्या कितना का लाभ हो रहा है आपको, प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको 8% का हो रहा है, यहाँ सर SP हमारा कितना हो जाएगा 500 गुना कितना हो जाएगा 108 कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, 0 0 काट दीजिए आप, 8 × 5 = 40 हो गया, 5 × 5 = 540 हो गया। अब यहाँ से हमको क्या है डिस्काउंट लेना है, 20% का छूट हो रहा है, MRP कितना हो जाएगा, तो MRP कितना हो जाएगा आपको 540 × 100 / कितना हो जाएगा आपको 80 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा आपको
बीस चौक 80 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया, इसको काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा, चरका चार, चार तिया 12, 4 पंचे 20, ये कितना हो गया, 5 25, 5 3 15, 2 17, 5 5 1 6, 675 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका एलसीएम 120 है, तो वो संख्याएं कितनी होगी। तो अब देखिए संख्या बराबर क्या होता है, संख्या बराबर जो होता है उसको यदि हम संख्याओं को रेशियो से एलसीएम से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या होगा, संख्या निकल जाएगा। तो एक और डाटा आपको, एलसीएम बराबर होता है रेशियो का गुणनफल, मतलब रेशियो का जो गुणा होगा, रेशियो का गुणनफल, ठीक है, रेशियो का गुणनफल इनटू एलसीएम होता है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम आपका दिया हुआ 120 दिया हुआ है, रेशियो का गुणनफल कितना हो गया, 5 3 15 हो गया, एच का मान निकाल लेते हैं, एच का मान कितना निकल गया, एच बराबर 8 हो गया। अब हमको संख्या निकालना है, तो संख्या निकालने के लिए रेशियो को यदि हम एलसीएम से गुणा कर देंगे हमारा क्या हो जाएगा, संख्या निकल जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 3 कितना हो गया, 24 हो गया, 8 5 40 हो गया, 24 और 40 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला कि दो रेलगाड़ियां सम्मुख दिशा में चल रही है, रेलगाड़ी ए की चाल 80 किलोमीटर पर आवर और बी की चाल 70 किलोमीटर पर आवर है, दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई 300 मीटर हो तो बी की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए सबसे पहले कि बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है आपको, चाल गुना क्या होता है आपको, समय होता है, चाल गुना क्या होता है आपको, समय होता है। यहाँ पे दो स्पीड है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिलेटिव स्पीड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा आपको, टाइम हो जाएगा। यहाँ पे दो ट्रेन है तो एक ट्रेन की लंबाई L1 दूसरा की लंबाई L2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस है, दूरी जब होगा, दो ट्रेन होगा, या तो ट्रेन दो ट्रेन होना चाहिए, या तो एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, या तो एक ट्रेन या तो एक पुल होना चाहिए, या तो एक ट्रेन या तो सुरंग होगा, तो वो दोनों का जो दूरी होगा जोड़ के भी आपका क्या हो जाएगा, टोटल दूरी हो जाएगा। एक का दूरी कितना आपको यहाँ पे 300 मीटर है, यहाँ पे आपको कितना हो गया 300 मीटर। दूसरा ट्रेन की लंबाई L2 मान लेते हैं, यहाँ पे पहले से दिया हुआ है। रिलेटिव स्पीड का मतलब है कि यदि चाल, यदि दो ट्रेन अपोजिट दिशा में चल रहा है तो चाल का क्या होता है आपको, योग होता है, ठीक है, ये रिलेटिव स्पीड का रूल है, चाल का योग होता है। यदि सेम डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, चाल का अंतर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, सेम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो 70 प्लस कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और इसको 5/18 से गुना करेंगे, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में लाना है, क्योंकि ये मीटर में है, ये मीटर पर सेकेंड में लाना है, तो 30 सेकेंड भी है, तो सेकेंड का रिलेशन मीटर पर सेकेंड से होता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा पूरा का पूरा आपको मैच कर गया। ये कितना हो गया, ये 300 प्लस कितना हो गया, L2 बराबर कितना हो गया, ये हो गया आपको 150 गुना कितना हो गया, 5/18 गुना कितना हो गया आपको, 30 हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, 3 4 18 ये कितना हो गया आपको, 25, 25 5 125 1200 कितना हो गया, L2 बराबर कितना हो गया, 1250 हो गया, ठीक है। तो L2 का मान कितना हो जाएगा आपको, 1250 में से 300 घटा दीजिएगा कितना हो जाएगा, 950 हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 950 मीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, था उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई कितना आपको 10 सेंटीमीटर है। तो जो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का जो विकर्ण आपको दिया हुआ है, वर्ग का विकर्ण यहाँ पे कितना दिया आपको, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, √2 a / कितना हो गया, 10 हो गया, a का मान कितना हो गया, 10/ कितना हो जाएगा आपको, √2 हो जाएगा। तो क्या पूछा, उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, 10/ √2 नहीं है तो ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दीजिए, ये कितना होगा, 2 5 कितना हो गया, 10 हो गया, 5√2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी घन का अभ्यंतर विकर्ण 8√2 सेंटीमीटर है, इस घन का आयतन कितना होगा। अब देखिए घन का जो विकर्ण होता है वो कितना होता है, घन का विकर्ण, ठीक है, जो घन का विकर्ण होता है कितना, √3a होता है, ठीक है। घन का विकर्ण दिया हुआ 8√3 बराबर कितना हो गया, √3a, तो √3 कट गया, तो a का मान कितना हो गया, 8 हो गया, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 8³ हो जाएगा, 8³ कितना होता है, 512 सेंटीमीटर³ आपका आंसर हो जाएगा, 512 सेंटीमीटर³, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, √8 - √15 में इस किसके बराबर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपको, 8 - √2 क्या आपको 15 है, इसका मान कितना होगा। यदि a +-√b के फॉर्म में हो और इसका वर्गमूल निकालना होगा तो इसको दो भाग में तोड़िए कि जोड़ने पर ये बुलाना चाहिए, इसको ये हो गया 5 और ये कितना हो गया 3, 5 3 8 है, 5 को यहाँ लिखेंगे, 3 को यहाँ लिखेंगे और बीच में माइनस लिख के √ चढ़ा देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा रूट फाइव माइनस रूट थ्री, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद 26,400 रुपये हो सकती है तो धनराशि कितना होगा। मान के चलिए कि आपका पी, मान के चलिए आपका 100 मान लेते हैं, ठीक है, तो आर आपका कितना है यहाँ पे, आर 5% है, ठीक है, टाइम कितना आपको 2 साल है, तो SI कितना हो जाएगा, SI कितना हो जाएगा 100 × 5 × 2 / कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 × 10 = 110 हो जाएगा, अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा आपको 110 हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट यदि हमारा 110 है तो पी मेरा कितना है यहाँ पे 100 है, यदि अमाउंट हमारा 1 होगा तो पी कितना हो जाएगा हमारा 100 / कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बोला कि 26,400 अमाउंट होगा तो पी कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100 / 110 अगुना कितना हो गया 26,400, 100 कट जाएगा, इसको काट देते हैं, ये कटेगा 11 × 22 11 × 44 कितना हो जाएगा आपको 24,000 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है इस तरीके से बनाइए क्वेश्चन, आपको इस टाइप का क्वेश्चन कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ेगा, SI टॉप या टी पट्टे 100 का आपको सवाल ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पीछे से बनाना होगा। अब देखिए इससे पहले देखिए होंगे इस पर रूट है, इस पर रूट नहीं है, इस पर है, तो 36 का वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा 6 + 6 + 19 कितना हो गया 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा 5 होगा, ठीक है। अब चूंकि ये कोष्ट में है तो 5 होगा, तो अब यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर ये 56 हो गया, रूट अंडर कितना हो गया 185 हो गया, अब प्लस 88 × कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8 × 5 कितना हो जाएगा आपको 40, 8 × 5 = 40, 4 कितना हो गया 44 हो गया, 185 को इसमें जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा आपको 5, 8 × 4 = 12, 625 यहाँ तक कितना हो जाएगा आपको 56, रूट अंडर कितना हो गया 625 हो गया, 625 का कितना 25 हो गया, और 56 में 25 को जोड़ देंगे, वर्गमूल निकाल लीजिए, ये कितना हो जाएगा 81, 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 − √3 हो तो रूट थ्री साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना दिया 2 − √3 दिया है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2 − √3 हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 2 sec θ बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिए हैं, ये कितना हो गया 2 − √3 + 1/2 कितना हो गया 2 − √3 होगा, इसका परिमेयकरण कर लीजिए 2 − √3 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 2 + √3 हो जाएगा, तो √3 √3 कट गया तो 2 × 2 = 4 हो गया, तो sec थीटा का मान कितना हो जाएगा 2 sec θ बराबर 4 हो गया, ये कट दीजिए कितना हो गया sec थीटा का मान कितना हो गया आपको 2 हो गया, ठीक है, तो sec थीटा का मान 2 हो गया, तो cos थीटा का मान कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है 1/2 हो जाएगा। अब हमको चेक क्या चाहिए sin थीटा, तो sin थीटा का वैल्यू के लिए आपको क्या चाहिए, sin थीटा बराबर कितना होता है √1 − cos²θ होता है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 1 − 1/2 हो गया, ये कितना हो गया 2 इधर आएगा 2 × 2 = 1 / कितना हो जाएगा आपको आपको होल स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है 4 × 4 = 3 × 3 = 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा √100 मतलब कितना हो गया √3/2 हो गया, तो आप देखिए sin थीटा का मान कितना हो गया √3/2 हो गया, ये कितना हो गया √3 × √3/2 हो गया, तो √3 √3 कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा 3/2 + 1/2 तो 4/2 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि sec 2100° का मान कितना होगा, जब 360 से ऊपर चला जाए तो आप इसको 360 से भागा दीजिए, इसमें 360 से भागा देंगे तो ये आपको भागा लगेगा 5 बार में, ना ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 5 × 3 = 15 × 3 = 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको 0, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया आपको 300 हो गया, ठीक है 8 × 3 = 300 हो गया। अब कितना निकला दोस्तों आपको sec कितना हो गया आपको 300° हो गया, अब इसको हम लिख सकते हैं sec 360 − 30 लिख सकते हैं इसको। अब देखिए ये जो 360 माइनस होगा किस क्वाड्रेंट में आपको, ये आपको इस फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और sec पॉजिटिव होता है, और 360 आपको इस लाइन के थ्रू है मतलब चेंज नहीं होगा, मतलब कितना हो जाएगा sec 30° हो जाएगा, और sec 30° का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको कौन हो जाएगा आपको सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कहता है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस बारह बराबर जीरो के मूल ज्ञात कीजिए। तो क्या आपको एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस बारह बराबर कितना होगा, आपको जीरो हो गया। इसको जो मूल होता है कितना होता है आपको एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटा टू ए होता है। अब यदि ये गुणनखंड हो रहा तो कोई जरूरत नहीं वहाँ जाने का, इसे यहीं से बन जाएगा आपको एक्स स्क्वायर चार बारह को दो भाग में तोड़िए कितना हो गया चार तिया बारह हो गया चार एक्स माइनस कितना हो गया फोर एक्स चार और थ्री हो जाएगा चार एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस बारह बराबर जीरो हो गया। अब चार और तीन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि सात चौदह तेरह बारह बीस ग्यारह पंद्रह आठ का माध्यिका कितना होगा। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे सात होगा और सात कहीं नहीं है, फिर कौन होगा आपको आठ होगा आठ लिख लीजिए, फिर कौन हो जाएगा आपको ग्यारह हो जाएगा ग्यारह लिख लीजिए, फिर कौन हो जाएगा बारह हो जाएगा बारह लिख लीजिए, फिर कौन हो जाएगा आपको तेरह तेरह लिख लीजिए यहाँ पे, फिर कौन हो जाएगा चौदह चौदह लिख लीजिए, फिर कौन हो जाएगा पंद्रह पंद्रह लिख लीजिए, फिर कौन हो जाएगा आपको बीस बीस लिख लीजिए आप यहाँ पे। अब यहाँ से गिनिए कै गो है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ है, आठ है तो तीन इधर से छाँट दीजिए तीन इधर से छाँट दीजिए, जो बचा दोनों को जोड़ के दो से भगा दे दीजिए, ये कितना हो जाएगा दो। तो पच्चीस बटे कितना हो गया दो हो गया, बारह पॉइंट पाँच आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि माइनस दो पाँच और एक तीन से होकर गुजरने वाले सरल रेखा का समीकरण क्या होगा। सरल रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है वाई माइनस वाई वन बराबर वाई टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है यह समीकरण होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है कि x1 का मान कितना है माइनस दो है और x2 का मान कितना आपको वन है, y1 का वैल्यू कितना आपको पाँच है, y2 का वैल्यू कितना आपको तीन है, y माइनस वाई वन, ठीक है। तो y का y रहेगा, y1 का मान कितना आपको पाँच है, यहाँ पर पाँच कर देते हैं बराबर y2 टू माइनस वाई वन, वाई टू मतलब तीन माइनस कितना पाँच, और नीचे जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपको वन माइनस कितना हो जाएगा आपको वन माइनस दो हो जाएगा इंटू एक्स वन, एक्स वन का मान कितना है यहाँ पे आपका एक्स वन का मान आपको एक्स माइनस है ना एक्स वन का मान कितना हो गया माइनस टू हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा वाई माइनस कितना हो जाएगा पाँच हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा आपको माइनस टू हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा आपको तीन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस कितना हो जाएगा आपको टू हो जाएगा, तीन को इधर गुना कर दिए कितना हो गया थ्री वाई, कितना हो गया पाँच दिया पंद्रह हो गया, ठीक है पाँच दिया पंद्रह हो गया, इसको इधर गुना करेंगे माइनस टू एक्स दो दोनों कितना होगा माइनस चार हो जाएगा, ठीक है। आप इसको इधर लेते आइए हो गया थ्री वाई प्लस टू एक्स, इसको इधर लेते आइए ग्यारह हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा ग्यारह बराबर कितना हो गया जीरो हो गया, फाइनली कितना हो गया टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस ग्यारह बराबर कितना हो गया जीरो हो गया, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस ग्यारह बराबर जीरो हो गया, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।